और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस प्रयास से हम लोग काम कर रहे हैं, अधिकारी सब लोग बैठ करके काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा और उत्तर प्रदेश का जो पुराना इतिहास था कि उत्तर प्रदेश नंबर एक भी दिखाई देगा और अच्छा उत्तर प्रदेश में परिणाम आकर के यहाँ खुशहाली के लिए आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जो बता रहे हैं कि कैसे प्रदेश को खुशहाल बनाया जाएगा, सूबे का बजट पेश करने के बाद उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। अखिलेश के बजट से यहाँ विपक्ष नाखुश दिखा। महज एक छलावा है, धोखा है, जिसमें घोषणाओं के अनुरूप बजट प्रावधान न कर शर्तें लगा करके नौजवानों के आंख में धूल झोंकने का काम किया गया है। वहीं जनता में बजट को लेकर खासा उत्साह देखने को नहीं मिला। बजट से उम्मीद थी कि महंगाई पर शिकंजा कसा जाएगा, लेकिन पेट्रोल को सस्ता नहीं किया गया। पेट्रोल को लेकर हर तरफ आग दिखी। पेट्रोल के दामों में हुई बढ़ोतरी के खिलाफ बंद का समर्थन समाजवादी पार्टी ने भी किया था, इसलिए उम्मीद की जा रही थी कि पेट्रोल के दामों में लोगों को इस बजट से राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा बजट में देखने को नहीं मिला। समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ में समर्थन कर रही थी, उसके बावजूद भी ये सड़कों पे पब्लिक को धोखा देने के लिए उतरी और इन्होंने पेट्रोल की कीमत नहीं घटाई, ये बहुत बड़ी इनकी कमी रही। बजट में किसान युवाओं पर खासा ध्यान देकर बेशक अखिलेश ने वाहवाही बटोरने की कोशिश की हो, लेकिन इसी बीच अखिलेश महंगाई जैसे मसले को भूल गई। महंगाई से देश भर में लोग पहले से ही त्रस्त हैं। युवाओं को लैपटॉप टैबलेट का लॉलीपॉप तो मिल गया, लेकिन अहम सवाल अब भी बाकी है कि क्या महंगाई के इस दौर में लोगों को कैसे महंगाई के दर्द से छुटकारा मिल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ पॉइंट।